मेरा नाम बद्री आलम खान है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर में अभी पीएचडी का तालिब इल्म हूँ और मैं इंडियन मुसलमानों के काम कर रहा हूँ। बचपन से लेकर के अगर आज तक देखें तो हमने जो प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक का मेरा सफ़र रहा तालीम का, उसमें मेरे ज़्यादातर जो करीबी दोस्त रहे हैं वो मतलब हिंदू रहे हैं और भी बिरादर के दोस्त रहे हैं। तो मुझे उनसे मिल करके जुल करके रहने का अनुभव मिला और ये कभी एहसास नहीं हुआ कि भाई हम एक मतलब हिंदू और मुसलमानों के उसमें रिश्ते से रह रहे हैं, बल्कि एक हिंदुस्तानी और एक फ्रेंड के नाते से रहे हैं। और कभी भी हमारे जो पहचान है, आइडेंटिटी है या मुस्लिम आइडेंटिटी है, वो कभी भी वहाँ उस दोस्ती में दरार नहीं आई है। बचपन में जो हम स्कूल की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हमारे दोस्त बहुत होते थे, जैसे राम जी दोस्त थे जो है, जिनसे थोड़ा सा उनकी मैथ अच्छी थी तो उनके साथ बैठना उठना और उनसे सीखना सारी चीज़ें जो है मैंने बहुत हासिल किया। और जब हम यूनिवर्सिटी में आए, उसके बाद जामिया में आए, तो हमारे जामिया में जो है बहुत सारे जो दोस्त यहाँ भी बने, जो करीबी दोस्त बने, वो दूसरे बिरादरी के ही बने। जैसे एक अभय कुमार मिश्रा, संजय कुमार, उन्हीं हमारे रूम पार्टनर भी रह चुके हैं जामिया के अंदर में, हॉस्टल के अंदर में। तो आज भी उन लोग साथ में, तो कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि भाई कि वो लोग कभी भी जो एक सांप्रदायिक सोच है या एक जो है हिंदू मुस्लिम की जो चश्मे से सोच है उस सोच से बात करें, बल्कि एक जो इंसानी जो सोच है और जो एक जो मुश्तरका सोच है, जो एक सेकुलर सोच है, उसका ये मुझे अनुभव मिला उन लोगों के साथ रह करके। और उसके बाद मैं जब जामिया से पढ़ाई मुकम्मल किया, कुछ दिनों तो एमए किया, उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गया। वहाँ पर मैंने फिर मेरे जो पार्टनर बने वो शशि कुमार झा बने, उन्होंने भी कभी भी मतलब किसी भी तरह का पर्सनल लेवल पे कभी भी कमेंट कुछ नहीं किया, कभी भी उन्होंने ये नहीं एहसास नहीं दिया कि भाई आप ये हो, बल्कि हर तरह से मोटिवेट करते थे कि अरे आप ये नहीं काम कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, इस तरह से भाई की तरह या एक एक अच्छे दोस्त की तरह वो लोग हर वक्त मोटिवेट किए हैं कि भाई आप अपना मुकम्मल पढ़ाई करो, इधर ये करो, सजेशन देते, सलाह देते थे। और अभी भी मैं जो रह रहा हूँ, जो मेरा रूम पार्टनर है वो संजय हैं, जो जेएनयू से पोस्ट डॉक्टरेट फिलो कर रहे हैं, तो उनके साथ ही मैं रहता हूँ। कभी भी वो एहसास नहीं होने देते हैं, बल्कि वो लोग सपोर्ट करते हैं। अगर हम अच्छा कोई काम करते हैं, कोई ये करते हैं, तो हमारे मुस्लिम भाई से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं सपोर्ट करते हैं, वो लोग सपोर्ट कर देते हैं पैसे से लेकर के, कुछ ये लेकर के। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अपनी ज़िंदगी जो मेरे बचपन से लेकर के अभी तक का जो सफ़र किया, मतलब प्राइमरी से तालीम से लेकर के जो है जो आला तालीम तक का जो मेरा सफ़र है, उस सफ़र के जो मैंने तजर्बा ये किया कि कभी भी हिंदू और मुसलमानों का फीलिंग जो हमारे दोस्तों के बीच में नहीं आया, हायल नहीं हुआ। और बल्कि हमारे दोस्त जो उनके जब मैं करीब रहता था तो उन्होंने जो दोस्ती का एक पैगाम होता है, एक दोस्ती का जो तकाजा होता है, उस तकाजा को हर वक्त उन्होंने कायम और दायम रखा। जब भी कोई मदद करना हुआ, जब भी कोई ये हुआ, परेशानी में हुआ, बीमार पड़ा, कुछ भी हुआ, वो लोगों ने सारा ये किया और सारे साथ रहना। लेकिन कुछ दिनों तो हम अगर लेकिन आज जो जब से ख़ास तौर से हम देख रहे हैं कि 1990 के बाद जो हिंदुस्तान में जो हिंदू और मुसलमानों की जो एक एक एक, एक रिलीजियस कैटेगरी को जो मजबूत किया जा रहा है, बाकी जो हमारे हिंदुस्तान का सदियों से जो मुश्तरका तहजीब रहा है, जो मिली जुली गंगा जमुना तहजीब रहा, जो एक सेंक्रेटिक कल्चर रहा, वो जो ऐतिहासिक तौर पर जो काम करता था जो है, उसको कुछ खास लोग उसको ख़त्म करने के लिए चाह रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है अपने तजर्बे से, ज़िंदगी के तजर्बे से, कि अभी भी हिंदुस्तान के अंदर में जो रवादारी, जो टॉलरेंस इंडियन सोसाइटी में है, जो वर्षों से रही है, वो है। और हमें अपनी ज़िंदगी में जो हम खास करीबों की जो दोस्तों को नाम लिए, वो एहसास नहीं होने दिए। लेकिन आज ये चैलेंज है हिंदुस्तान के सामने, आज हमारे चैलेंज है कि भाई कि ये जो हमारा जो परंपरा है और जो मेरी ज़िंदगी से जो मैंने सीख मुझे निकली, इस चैलेंज को हम कैसे मुकाबला कर पाएँ। इस चैलेंज को मुकाबला करने के लिए मैं समझता हूँ कि हर लोग, हिंदुस्तानी लोगों को अपने जो तजर्बा है, अपनी जो तारीख से तजर्बा है, अपनी ज़िंदगी से तजर्बा है, उसको एक दूसरे को शेयर करना चाहिए और बताना चाहिए। और जिस तरह से ये जो सियासी हुक्मरान हैं, जो सियासी राजनीतिक पावर हैं, ख़ास तरह से मैं फ़िरकावारा जो अभी इख्तदार आले पावर में हैं, उनकी मैं बात करें कि वो जो हिंदू मुसलमानों को जो फीलिंग डेवलप कर रहे हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा और हिंदुस्तान के सामाजिक तानों बानों से अलग है। और इसको हम जैसे नौजवान जो आला तालीम में हैं, इसको निगेट करें और दुनिया वालों को बताएं, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि दुनिया वालों को बताएं कि भाई कि हिंदुस्तान में एक जो है सदियों से एक मिलजुल संस्कृति और हिंदू और मुसलमान एक साथ रहे हैं और रह करके काम किए हैं।
और मैं बता दूं कि अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग हुई है हिंदुस्तान में, वो जंग में भी मुसलमान और हिंदू कंधे साना बसाना मिलकर के लड़े हैं। ये जो जामिया इदारा है या और सारे इदारे हैं, ये सबसे इदारे जो मुसलमानों के इदारे हैं, लेकिन इन लोग इदारे भी बहुत चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिए जिनके ऊपर आज भाजपा ने अटैक कर रहा है। तो मैं कुल मिला जुला करके यही संदेश देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के मार्फत से कि मैंने अपने जो तजर्बा जिंदगी में सीखा कि अवाम हिंदुस्तान की अभी भी जो सेकुलर पसंद है, अक्सरियत अवाम अभी भी सेकुलर पसंद है और अवाम अभी भी नहीं चाहती है कि भाई यहाँ पे दंगा फसाद और इस तरह के जो मॉब लॉन्चिंग हो कल्चर। लेकिन जो कुछ जो राजनीतिक लोग हैं अपने पावर के लिए, अपने सत्ता के लिए लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, जो अंग्रेज एक जमाने में करते थे जो है, तो मुझे ये लग रहा है कि इससे फाइट करने की ज़रूरत है। और मैं खुद अपने तहरीरों के मदद से तहरीरों के, चूँकि मैं तलबा तंजीम में रहा हूँ, बहुत सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ, जेएनयू में थोड़ा सा काम करने का मौका मिला, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करने का मौका मिला, जामिया में काम करने का मौका मिला, इन तमाम काम करने के एक तलबा तहरीक से जुड़े रहने के 10 साल 15 साल जुड़े रहने से भी मुझे एक अनुभव मिला कि आवाम के अंदर में अभी भी हिंदुस्तान में एक 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 है कि हमारी विरासत जो है वो साझी विरासत है, हमारी विरासत सेकुलर विरासत है जो राष्ट्रीय आंदोलन से निकली हुई है, उसको हमको जिंदा करना है और उसको हमको कायम और दायम रखना है। और हमें ये भरोसा है आने वाले वक्त में कि ये यही चीज़ें हिंदुस्तान को आगे लेकर के जाएगी और यही इसी को हमको आगे मजबूत करने की ज़रूरत है। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये कुछ फिरका परस्त लोग, वो हिंदुओं में भी हैं, वो कुछ फिरका परस्त इस तरह के सोच कुछ मुसलमानों में भी हैं, इस दोनों तरह के जो फिरकावारियत के सोच है उसको लड़ने की ज़रूरत है। और ये जो हमारी जो तारीखी विरासत और जो डे टू डे लाइफ की जो एक मुश्तरका विरासत है, इसको आगे लाने की ज़रूरत है। और आने वाले वक्त में तभी हम गांधी जी के, नेहरू जी के सपना और जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर के सपना और भारतीय जो हिंदुस्तानी जो आइन है उसमें जो बातें लिखी गई है उसको हम मुकम्मल तरीके से महफूज रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 2019 में जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं लोकसभा में, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इस जो आइडिया ऑफ इंडिया है जो हमारी तारीख से और संविधान से निकल करके आ रही है या हमारे डे टू डे लाइफ से, इसको किस तरह से इसको महफूज करें और किस तरह से इसको दोबारा एक हम लाइफ दे पाएँ, ये हम चाहते हैं और ये हम संदेश देना चाहते हैं लोगों को।